जय महाराष्ट्र मी रुजुता लुपतुके राजमंत्र या तुमच्या सगळ्यांच्या लाडक्या कार्यक्रमात पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत आ, असा कार्यक्रम आहे हा ज्या कार्यक्रमात राजकीय आणि सामाजिक विषयांवर भविष्यवाणी आपण करत असतो आणि अशी भविष्यवाणी जी शंभर टक्के खरी उतरते पंडित राजकुमार शर्मा आजही आपल्याबरोबर आलेले आहेत पाडव्यानंतरच्या दिव पुढच्या दिवशी आज आपण भेटतो आहोत नवीन वर्षाला सुरुवात झालेली आहे हे नवीन वर्ष आपल्या सगळ्यांसाठी कसं असणार आहे नवीन हिंदू वर्ष हे आज राजकुमार शर्मा पंडितजी यांच्याकडनं आपण जाणून घेणार आहोत पंडितजी बहुत बहुत स्वागत है आपका ज राजमंत्र में और सब जैसा अभी कहा क्योंकि नया कुंकि न्याया सा, साल आरंभ हो चुका है हिंदू नववर्ष जो है कल और उसके ठीक एक दिन बाद हम मिल रहे हैं तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई नए साल के लिए और बस आप ही बताइए हमारा नया साल कैसे रहने वाला है जी जी सबसे पहले तो दर्शकों को जिन्होंने इस भारी मात्रा में इस को दिया, उन सब का मैं आभार प्रकट करता हूं और नव वर्ष विक्रमी संबत दो, दो हजार तिहत्तर टू जीरो सेवन थ्री काइंडली नोट इट टू जीरो सेवन थ्री उसका स्वागत करते हुए आप सबका स्वागत करते हैं इस पर्टिकुलर दिन को यानी कल का जो दिन गया है अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पाड़वा कहते हैं और बाकी स्टेट्स में लाइक आंध्रा है वहाँ पे भी आज ही के दिन कल ही के दिन मनाया गया और अगर हम इस संबत की बात करें क्योंकि हमारा हिंदू नववर्ष जो है वो कल शुरू हुआ है वो एक जनवरी को शुरू नहीं होता है वो पाश्चात्य संस्कृति को हम फॉलो करते हैं क्योंकि दो सौ बरस अंग्रेज जो है हमारे ऊपर राज करता आया और कहीं ना कहीं हमने पैंट पहननी सीख ली और चाय पीनी सीख ली और साथ में ये भी सीख लिया कि हैप्पी बर्थडे हैप्पी न्यू ईयर कैसे मनाना है बट आई विश ऑल ऑफ यू ए वेरी हैप्पी विक्रमी संबत दो आप सबका अच्छा और ऐश्वर्य भरा जाए राष्ट्र और महाराष्ट्र में शांति हो अकाल में कम से कम कमी आए और कहीं ना कहीं हमारे हमारी सरकारें जो हैं इनमें कोई ना कोई समाधान ढूंढने में कामयाब हों मगर यहां पर यह ज्योतिष का कार्यक्रम है इसलिए इस कार्यक्रम में ये कह दे आपको मार्गदर्शन देना बहुत जरूरी है कि विक्रमी संबद दो सॉरी दो दे, दे। का राजा ग्रह कौन सा है हुँ. इसका राजा ग्रह है शुक्र अच्छा शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र ऐश्वर्य देता है शुक्र संपदा देता है प्रतिष्ठा देता है शुक्र जो है पौष्टिकता देता है और शुक्रवार के दिन ही नौ देवियों की पूजा होती है और शुक्रवार जो है वो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए जुम्मा कहलाता है इस चीजों का वर्णन और इस चीजों का इस गहराई से वर्णन ये सिर्फ और सिर्फ जय महाराष्ट्र के मंच पर होता है इसलिए हम सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सारी अः की गन्ना करते हुए शुक्र जो है उसको बोलते हैं कि हेम कुंद दैत्य नाम परम सर्वशास्त्र प्रवक्ता नाम तम शुक्रम हम। शुक्र देवता को प्रणाम और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य चारों वेदों के ज्ञाता चारों वेदों को लिखने वाले भी शुक्र और नौ देवियों की पूजा भी शुक्रवार के दिन होती है और इसी देवियों की पूजा के साथ में कल स्त्री जाति का जो सम्मान हुआ है कि उस शनि के चबूतरे के ऊपर वो लोग पूजा करने गए उसके लिए मैं आप सबका और वो जो भूमाता ब्रिगेड की मिस देसाई है उसको बधाई का पात्र मानता हूं और शुक्र की जब हम बात करते हैं तो आपने बोला कि कैसा जाएगा यह वर्ष अगले साल जब हम मिलेंगे तो आप देखेंगे कि यह वर्ष लेडीज डोमिनेटिंग होगा तत्र देवता यहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवतावास करते हैं इसलिए स्त्रियों को विशेष अधिकार दिए जाएंगे स्त्रियों के लिए यह साल बहुत ही उत्तम माना जाएगा मगर कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो राजा की तरह बैठा है और इस बरस का राजा है तो उसमें कुछ दैत्य प्रवृत्तियां भी है जिसके कारण बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसके कारण हमको आतंकवाद का सामना करना पड़ेगा hmm. किसी ना किसी बड़े नेता की मृत्यु तक हो सकती है इस मामले में कोई ना कोई विस्फोट हो सकते हैं कहीं ना कहीं आतंकवाद जो है हमारे बॉर्डर की तरफ से निकलता हुआ हमारे शहरों में आकर हमारी वर्टिकल ग्रोथ को घृणात्मक दृष्टि से खराब करने की कोशिश कर सकता है इसलिए हमारी सुरक्षा एजेंसी को बहुत सावधान रहना पड़ेगा और बुद्ध जो है बुद्ध इस इस साल का मंत्री है बुद्धि बुद्धम प्रदाताराम होम वंश प्रवर्धनम यानी बुद्धि और विवेक इस वक्त जो बुद्ध है वो उच्च का बन के बैठा हुआ है इसलिए हमारे देश में बुद्ध ट्रेडिंग का कारक भी है विदेशों से धन आएगा विदेशों से कंपनीज जो हैं हमारे देश में स्थगित होंगी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भारी मात्रा में लोग हमारे देश में निवेश करेंगे बाजार का रुख बदलेगा एम्प्लॉयमेंट का की दरें बदलेंगी इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक बड़ा ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा ये एक बहुत ही सुंदर बात है मगर आपसी वैर ये बहुत जरूरी है महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि सर हम क्योंकि महाराष्ट्र में बैठे हैं महाराष्ट्र की कुंडली का अध्ययन करके आज मैं आया हूँ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी आ, काफी रेस्टलेस रहेगी यहाँ तक सरकार को लेकर है पर धीरे धीरे हम हर विषय को पकड़ेंगे बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैं पूछना ही चाह रही थी आपसे कि महाराष्ट्र के लिए अपनी राज्य के लिए ये साल कैसा रहने वाला है और उसमें से एक मुद्दा आगे चलकर ये है कि फिलहाल सरकार में जो हम देख रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना की आपस में नहीं बन रही है जिसकी वजह से एक मैसेज जो जा रहा है एक संदेश जो बाहर जा रहा है लोगों में वो ये है कि सरकार में ही आपस आपसी तालमेल नहीं है तो ये नया वर्ष बीजेपी सरकार की इकट्ठा सरकार के लिए कैसा रहने वाला है देखिए जब हम हिंदुस्तान की कुंडली की बात करते हैं तो हम 15 आठ 1948 पकड़ते हैं मगर जब हम महाराष्ट्र के कुंडली की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का एक्चुअल जन्म गुजरात से निकलकर उसके बाद गोवा से निकलकर महाराष्ट्र का एक्चुअल जन्म जो है वो एक मई 1960 को हुआ और जब हम वो एक मई मैं, मैं हमेशा पिछले तीस सालों में यही जन्म तारीख पकड़ते आया हूं और अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो बिल्कुल उसका अभिनंदन है एक पांच उन्नीस सौ साठ में महाराष्ट्र तो सतयुग से चला आ रहा है पुनर्जन्म हुआ और महाराष्ट्र की कुंडली का आप जब हम अध्ययन करते हैं क्योंकि हम देश स्टॉक एक्सचेंज जाति व्यक्ति गोचर की कुंडली बनाकर उसके ऊपर वर्णन करते हैं महाराष्ट्र की कुंडली में मिथुन राशि है और बड़ी सुंदर बात यह है कि यहाँ पर लगन में गुरु बैठे हुए हैं धनु राशि के जब गुरु धनु राशि के बैठे होते हैं तो उस राष्ट्र को एक ब्लेसिंग होती है मुंबई को मुंबरा देवी की है हाजी अली की है और महाराष्ट्र को मौली की है और पंडरपुर की है ये धर्म देता है संस्कार देता है मगर आज के महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त महाराष्ट्र की कुंडली में बुद्ध की महादशा चल रही है mm -hmm. 2007 से महाराष्ट्र में बुद्ध की महादशा चल रही है और देवेंद्र फडनवीस की कुंडली में गुरु में बुद्ध की महादशा चल रही है उद्धव ठाकरे की कुंडली में गुरु में राहू की महादशा चल रही है इस वक्त गुरु और राहू ये बहुत गणित है इसमें आप सिर्फ भविष्यवाणी के ऊपर ही ध्यान दे पाएंगे गुरु में राहु और इन सब चीजों की जब हम का विश्लेषण करते हैं जी उद्धव जी की कुंडली में गुरु में देवेंद्र राहु, राहु में गुरु सॉरी राहु में गुरु देवेंद्र जी की कुंडली में गुरु में बुद्ध और आगे आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे की कुंडली में सत्रह साल की गुरु की महादशा चालू हो रही है और इस वक्त अगर हम बात करें तो मैं आज के गोचर के हिसाब से आपको बताता हूं कि अगले एक हफ्ते में आप देखेंगे मंडे से लेकर फ्राइडे तक सैटरडे बंद होता है मंडे से लेकर फ्राइडे फ्राइडे तक आपको यह बात एहसास होगी कि विधानसभा हो गई है है सदन चल नहीं रहा उद्धव ठाकरे जो है सामना में भारतीय जनता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं कहीं ना कहीं आशीष शेलार और देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आक्रमकारी हो चुके हैं और क्या युति टूट सकती है इस तरह का वातावरण यहाँ तक बातें जा सकती हैं तक बातें जा सकती है। अगले दिन इस सरकार के ऊपर भारी आपको मालूम है कि मैं बहुत गहनता से अध्ययन करके और कल हम नवरात्रे शुरू हो चुके हैं नौ दिन देवी की पूजा करते हैं कल नरेंद्र मोदी साहब सोनिया गांधी राहुल गांधी हमारा देश और मेरा महाराष्ट्र इसके ऊपर मैंने बड़ी गहनता से अध्ययन किया है अगले पंद्रह दिन महाराष्ट्र की कुंडली में ऐसे हैं कि यहाँ पर रेस्टलेसनेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी वॉलिटैलिटी इतनी होगी जैसे सैतीस हजार फीट के ऊपर कभी कभी होती है तो लगता है कि कहीं क्रैश ना हो जाए जा। और क्रैश होते होते बचता हुआ दिखाई देता है कहीं ना कहीं सत्रह चार दो से पहले पहले ऐसे समीकरण बनेंगे क्योंकि शिवसेना कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हमको हमारे अधिकार नहीं दे रही और भारतीय जनता पार्टी के अपने विचार है। मगर मैं एक ज्योतिषी आधार पर ज्योतिषीय नजर पकड़कर चलता हूं कि सत्रह चार दो हजार सत्रह से पहले पहले इस सरकार का रुख बदल सकता है परिवर्तन योग बन सकते हैं कहीं ना कहीं शत्रु मित्र बन सकते हैं मित्र शत्रु बन सकते हैं जो बड़ा भाई था वो शत्रु की जगह पे विरोधी पक्ष में बैठा हुआ दिख सकता है पंद्रह दिन में कुछ भी हो सकता है उसका निर्णय तीन महीने के बाद भी हो सकता है क्योंकि देवेंद्र फडनवीस को श्री हरियाणा की स्टोरी देख लीजिए देवेंद्र फडनवीस को कहीं ना कहीं विदर्भा की वजह से बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा 38 सीट मिली है वहां से वहां पे विदर्भा बनाएंगे कि नहीं वहां पे विदर्भा का एक मुद्दा शिवसेना अगेंस्ट कांग्रेस अगेंस्ट महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र को तोड़ने नहीं देना चाहते हैं हमारे अधिकार हमारे मंत्रियों को नहीं दिए गए हैं इन सब चीजों को मद्देनजर रख के अगले पंद्रह दिन खराब है सत्रह चार दो हजार सत्रह में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विरोधी पक्ष में ना बैठ जाए और शिवसेना एनसीपी हाँ, शिवसेना नेशनल अच्छा। एनसीपी और बाहर से कहीं कांग्रेस सपोर्ट करके एक नया सरकार का चेहरा सामने ना ना आ जाए या इस तरह का महाराष्ट्र की कुंडली में वर्णन दिखाई देता है तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी हुई जो आपने सामने रखी है दर्शकों के जो समीकरण है वो भी बदल सकते हैं महाराष्ट्र में जो फिलहाल हमें दिख रहे हैं जी और जिस तरह का वातावरण चल रहा है वृश्चिक राशि नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की वृश्चिक राशि मंगल और शनि का प्रकोप 16 9 2016 से पहले पहले मंगल और शनि वृश्चिक राशि पे है जो विस्फोटक विष का निर्माण करता है इसलिए आपने देखा कि दिल्ली में हार गए बिहार में बहुत बुरी हालत हुई पंजाब में क्या होगा मैं आपको प्रेडिक्ट करूंगा यूपी में क्या होगा वो भी आपको प्रेडिक्ट करेंगे और बहुत से अनुमान लगाए जा चुके हैं ऑलरेडी जी हाँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सोच संभलकर अपने मित्रों को अपने सहयोगियों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास <laughs> ये बात को साबित करना पड़ेगा जी पंडित जी संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि हमें फिलहाल महाराष्ट्र के सामने जो है राजनीतिक चुनौतियां बढ़ती हुई हमें दिख रही है शिवसेना और भाजपा का आपस में नहीं बन रहा है लेकिन दोनों पार्टी जो है अपना आक्रमक रुख वही रखने वाली है हमें आने वाले पंद्रह दिनों में तो आसार ऐसे ही लग रहा है और आपने बातों बातों में नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का जिक्र तो कर ही लिया है और आगे मुझे यही पूछना था अगर महाराष्ट्र में ये हाल है तो देश में चुनौतियां कुछ कम नहीं है बीजेपी के सामने सरकार में होते हुए तो बीजेपी के लिए आने वाला ये साल क्योंकि वो आरएसएस के लोग हैं गुड़ी पड़वा मानते हैं आने वाला साल बीजेपी के लिए कैसा रहने वाला है देखिए भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो वृश्चिक राशि भारत माननीय नरेंद्र मोदी जो हैं जो देश की सेवा करने के लिए तत्पर हैं ही इज टोटली डिवोटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री बट समवेयर ग्रह दशा अपना निर्माण करती है ग्रह दशा से आदमी नहीं बच सकता है मंगल कहीं ना कहीं आपके शरीर ब्रेन में अहम भर देता है अभिमान भर देता है और कहीं ना कहीं आप अपने ही फैसलों के शिकार हो जाते हो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए यह दो हजार संवत बहुत अच्छा नहीं है चुनौतियों का सामना करने पड़ेगा कहीं ना कहीं विकास तो होगा विकास तो मैंने पहले भी कहा है कि हमारा देश काल सर्वदोष से बाहर आ चुका है विकास तो कोई भी पार्टी हो चाहे खिचड़ी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो ये विकास होना है हजारों लाखों करोड़ों के घोटालों के बावजूद भी हमारा बाजार तीन हजार से लेकर तीस हजार तक पहुंच गया क्योंकि कहीं ना कहीं देश की कुंडली और महाराष्ट्र इसमें सबसे बड़ा योगदान देता रहेगा महाराष्ट्र विल बी द बिगेस्ट लार्जेस्ट टैक्स पेयर इन दिस कंट्री फॉर एवर इन फ्यूचर चाहे गुजरात में जितनी मर्जी रहेंगी। पार्टी के लिए देश। अगला साल है, यहां तक बंगाल की बात करें तो बंगाल में ममता बनर्जी जो है वापस मेरी भविष्यवाणी के मुताबिक सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है आसाम में मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया है पंजाब में इनको मुंह की खानी पड़ेगी यूपी में इनके कहीं ना कहीं यूपी में भी हालात बहुत अच्छे मुझे कुंडली के हिसाब से नहीं दिखाई देते डेट्स आने के बाद में उसके ऊपर और पूरा प्रकाश डाला जाएगा भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगियों को साथ में लेकर चलना चाहिए करबद्ध प्रार्थना करता हूं मैं कि कहीं ना कहीं एकला चलो वाली नीति जो है वो फेल होती हुई दिखाई देती है आप अपने लोगों को चाहे वो यशवंत सिन्हा है शत्रुघ्न सिन्हा है लालकृष्ण अडवाणी है सुषमा स्वराज है आप अपने लोगों को भी साथ में लेकर चलिए उनकी समस्याओं का समाधान इन रोर एक रूम में बैठकर यानी उसका समाधान करिए और फिर अपने सहयोगियों का बिल्कुल बिल्कुल यही अपेक्षा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी ये शो देखते हो क्योंकि आज आप देखते हैं बहुत से लोग जी हाँ जी हाँ तो क्योंकि आप आज जिस तरह की भविष्यवाणी कह रहे हो कि बहुत जरूरी है उसके ऊपर गौर करना भी और एक मुद्दा था जिसके ऊपर आपसे जानना चाहूंगी वो है मानसून का सूखा इस तरह महाराष्ट्र में पड़ा हुआ है ये और एक समस्या है जिससे हम जूझ रहे हैं और अब एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि क्या मई में, में हमें कुछ सहारा कुछ आसरा बारिश से मिलेगा रुजुता जी आपने पूर्व काल के बहुत से सीरियल देखे होंगे, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट है, है, चाहे वो है, चाहे वो वो रामायण महाभारत है पूर्व काल के राजा जो थे इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया करते थे आपको याद होगा यज्ञ करते थे ताकि इंद्र देवता प्रसन्न हो वसुंधरा हरी भरी रहे और देश तरक्की करे और राजा सुखी होगा तब जब प्रजा सुखी होती है मैं आपके शो के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी के आगे आवाहन करता हूं प्रणाम करके ये बात कहता हूं कि अगर इन यज्ञों का इन प्रतिष्ठानों का उपयोग किया जाए तो डेफिनेटली इंद्रदेवता प्रसन्न होंगे और देवेंद्र की कुंडली में तो नाम में इंद्र देवता वसे हुए हैं इसलिए उनके द्वारा पूजा प्रार्थना करने से डेफिनेटली महाराष्ट्र को इंद्र देवता की प्रसन्नता होगी और मानसून आएगा मगर आपने मुझे ज्योतिषीय सवाल किया है ये तो मेरी पर्सनल एक व्यक्तिगत सलाह है सरकार को कहीं ना कहीं यह मॉनसून जो है अगले तीन साल का की भरपाई करेगा और पन, कोई मेरे साथ आए या ना आए मैं पंद्रह मई से लेकर पांच जून तक कम से कम चार जगह के ऊपर इंद्र देवता का आह्वान करूंगा जिससे राष्ट्र और महाराष्ट्र में समृद्धि आए और इंद्र देवता बारिश लेकर हमारे देश में हमारे राष्ट्र में हमारे महाराष्ट्र में पूरी तरह से हमें सरोभोर कर दें ताकि किसान अकाल के चक्कर में ना आए हम लोगों को पानी पीने के लिए मिले मुझे उन लोगों के ऊपर दया नहीं आती मुझे उन लोगों के ऊपर सही मान मायने मायनों में रोना आता है कि जब देखते हैं कि लोगों को तीन तीन दिन पानी नहीं मिल रहा है और लोग तड़प रहे हैं हमारे महाराष्ट्र में ही नहीं इवन और स्टेट्स में भी यही हालत इवन मध्य प्रदेश में पांच से सात डिस्ट्रिक्ट इसके घेरे में आए हुए हैं कर्नाटक है। में भी वही हाल है, yes. दक्षिण में भी हम तो भी हम तो यही हाल है। तो महाराष्ट्र अकेला ही इसका शिकार नहीं है इसलिए इंद्रदेवता का आवाहन होगा और डेफिनेटली इंद्रदेवता हम दुनिया को हम दुनिया को धर्म सिखाते हैं इंडिया इज ए रिलीजियस प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड हमने अमेरिका की गली गली में योगा इंट्रोड्यूस कर दिया है विश्व के गली गली में प्राणायाम और मुद्रा योग और विक्रम योगा चल रहे हैं अब अगर हम इत, इतने ताकतवर हैं तो डेफिनेटली हम इन तैतीस करोड़ देवताओं को नौ नक, ग्रहों को और 27 नक्षत्रों के माध्यम से यहाँ बारिश कराने में भी कामयाब हो सकते हैं और माता रानी का दूसरा दिन है आज डेफिनेटली उसका एक प्रयोग किया जाएगा और उसमें आप सब लोगों का आशीर्वाद शामिल रहेगा बिल्कुल बिल्कुल हम तो पहले मैं यही से बैठकर प्रार्थना करते हैं करेंगे कि आपकी ये जो यज्ञ जो आप करेंगे वो उसमें आप कामयाब हो और हम सबकी प्रार्थनाएं उसमें रहेंगी ही बिल्कुल ही रहेंगी पंडित जी क्योंकि अब वक्त हो चला है प्रोग्राम में एंड तक हम पहुंच गए हैं और अब वक्त हो चला है सेंसेक्स के बारे में कुछ बात करने का बिल्कुल बिल्कुल इसको भी हम विक्रमी संबद्ध दो से जोड़ कर दे अगर हम कुंडलियों का अध्ययन करें तो एक बात शुक्र राजा और बुद्ध मंत्री बुद्ध शेयर मार्केट ट्रेडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन चीजों का देवता माना जाता है शुक्र जो है वो तंत्र का देवता माना जाता है आईटी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल शुक्र और शनि के साथ में संबंध देता है तेल गैस माइनिंग इसके साथ में संबंध देता है मित्रों एक बात जानकर प्रसन्नता होगी आपको कि यह साल हमारी ग्रोथ कम से कम 30 से 40 प्रतिशत होगी और विक्रमी संबत कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की पीठ जरूर थपथपाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छे कामों कर, काम करने के लिए बिल्कुल शपथबद्ध है हाँ कुछ कमियां उनमें जरूर हैं जो हो सकता है समय के साथ वो पूरी कर लें चुनौतियों भरा साल भारतीय जनता पार्टी के लिए है मगर देश के लिए नहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो डेफिनेटली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब हम अगले साल आए तो आप बोलेंगे स्टॉक एक्सचेंज चौबीस हजार छह सौ पचास के ऊपर पिछले हफ्ते चल रहा है थोड़ा सा मार्केट जो है सौ दो सौ पॉइंट हमारी भविष्यवाणी के नीचे आ गई है चौबीस हजार चार सौ से नीचे नहीं जाएगा पच्चीस हजार पांच सौ फिर मैं इसका वापसी स्तर देखता हूं निफ्टी की बात करें सात हजार पांच सौ पचास निफ्टी चल रही है इट गो बिलो ऊपर इसको छोड़ो हमारे अपने देश में जिस तरह की इन्वेस्टमेंट हो रही है और देश की भविष्यवाणियां कुंडलियां बहुत ही अच्छी चल रही है तीसरा ऑयल के बारे में हम हमेशा कहते हैं ऑयल बहुत अच्छा 2650 पे चला गया जी हाँ। और दो हजार सात का आंकड़ा और नीचे का स्तर 2525 सोना वापस आप देखिए पिछले हफ्ते हमने बोला था सोना बहुत अच्छा जाएगा जी हाँ। और, 19, और 000, 19, एक, एक बिल्कुल आज, बिल्कुल, आज बिल्कुल, चल रहा है ये एक ही दिन में 700 800 के उछाल हमें देखने 78, को मिली है। हाँ, तो मेरे हिसाब से सोना वापिस उनतीस हजार छह सौ छू सकता है नीचे का स्तर अट्ठाईस हजार आठ सौ के करीब करीब है बट आई सी गोल्ड क्रॉसिंग आंकड़ा पैंतीस हजार आठ सौ का और ऊपर का आंकड़ा थर्टी एट थाउजेंड का मैं आज भी बोल रहा हूँ इसमें आप निवेश करें बाकी हम अपने चैनल के पहले ही बोल देते हैं कि हम भविष्य बोलते हैं आपको अपना अपने कंसल्टेंट का और अपने दिमाग का अपनी स्टडी का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट करना है आपके लाभ और हानि के हम जिम्मेदार नहीं है हाँ। लाभ आप लोगों को ज्यादा होता है लोगों के फोन आते हैं हमको कि हाँ। हमने सोने में इतना कमाया चांदी में इतना कमाया आपको इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी करें आप आप उसमें धन कमाएं और खुश रहें यही हमारी मनोकामना है बिल्कुल मगर एक खुशखबरी जाते हुए बोल देता हूँ कि डॉलर जो है वो रुपए के मामले में कमजोर होता हुआ दिखाई देता बिल्कुल ये काफ़ी अच्छी मतलब फाइनेंशियली अगर देखें तो आने वाला साल और आने वाले कुछ साल हमारे लिए महाराष्ट्र के लिए भारत के लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं और अच्छा ही है जो हमें देखनी चाहिए शो के अंत में जब हम बात कर रहे हो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हम हाँ, हमारे शो में शामिल हुई हुए जो भविष्यवाणी जिन, जिन जिनकी जिनका जिक्र आपने किया है उसका हम जायजा लेते ही रहेंगे उससे पहले जिससे पहले हम खत्म करने से पहले कुछ खत है जो पंडित जी को हमेशा आते रहते हैं हर हफ्ते और इस बार मैं कुछ जिन्होंने खत लिखे हैं उनके नाम जरूर बताना चाहूंगी इसलिए क्योंकि देखिए ये कहाँ कहा से आए हैं सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं महाराष्ट्र से बाहर से ये खत आए हुए हैं और वो भी कहाँ कहा से तो नागपुर से नीलेष हरले ने लिखा है पंडित जी के बारे में अच्छी बातें कही है भविष्यवाणियों के बारे में कही है शिवाजी साड़ूंगे है विनोद कासार है और शुभम अड़े हैं जिन्होंने बंगलोर से लिखा है मुरलीधरन मेनन हैं जिन्होंने अंदमान से खत लिखा है गौरव बैद जिन्होंने हैदराबाद से और किरदत्त ज्ञानेश है जिन्होंने सांगली से और नवनाथ अडे हैं जिन्होंने ख़त इस, इस इस हफ्ते में पंडित जी को भेजे है और अपनी शुभकामनाएं दी हुई है भविष्यवाणियों के लिए पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आज शो में हिस्सा लेने के लिए और कुंकि क्योंकि वक्त क्योंकि खत्म हो, हो, हो चुका है हो चुका है, हम हो चुका आहे कार्यक्रमे इथे आपण तुम्ही पात्र आहे जय महाराष्ट्र थेट अशोक बिंदास